गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिर्ज़ा निगार। आज हम लोग क्लास सेवेंथ में भूगोल पढ़ेंगे। क्लास सेवेंथ के भूगोल में आज हम लोग चैप्टर थ्री पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर थ्री का नाम? हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी में इससे सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी, यानी पृथ्वी के अंदर जो बदलाव होता है, क्या क्या बदलाव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा स्थलमंडलीय प्लेट। स्थलमंडलीय प्लेट क्या होता है? यानी हमारा जो स्थलमंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था, उसमें हमने बताया था कि इसकी आंतरिक संरचनाएं जो होती हैं वो कई प्लेटों में होती हैं। तो उन्हीं की बातें कर रहा है ये कि स्थलमंडलीय प्लेट जो है वो अंदर की बातें कर रहा है ये कि स्थलमंडलीय प्लेट कई प्लेटों में विभाजित होता है, जिसको हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो धीरे धीरे गति होती है, बहुत धीरे गति होती है, बहुत धीमी गति होती है, यानी इतनी धीमी गति होती है कि प्रत्येक वर्ष कुल कुछ मिलीमीटर के लगभग उसमें गति होती है, यानी बहुत बहुत ही कम गति होती है। तो ये जब गति होती है तो जो हमको एहसास नहीं होता है। फिर होता क्या है कि जब यही गतियाँ जो बहुत तेज़ हो जाती हैं, अचानक से हो जाती हैं, तो वो आकस्मिक गति कहलाती है। तो देखिए होता क्या है कि पृथ्वी की गति जो होती है वो उनके फोर्स पर आधारित होती है, उनके बल पर आधारित होती है। जिस हिसाब से उनको फोर्स लगता है, पृथ्वी में जो गतियाँ होती क्यों हैं, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के अंदर जो होता है वो द्रवित मैग्मा होता है, और द्रवित मैग्मा के कारण ही जो प्लेटें हिलती रहती हैं। तो जैसे अगर पृथ्वी के अंदर जो द्रवित मैग्मा होता है जब वो ज़्यादा पिघल जाता है तो प्लेटें कुछ तेज़ी से हिल जाती हैं। तो उसी आधार पर, तो जब मैग्मा हिलता है तो उसके आधार पर प्लेटें हिलती हैं। तो वही कहा गया है कि जो पृथ्वी के अंदर की जो गति होती है वो जब तेज़ फोर्स आता है, अचानक से जब कोई तेज़ फोर्स आता है पृथ्वी के अंदर, तो वो आकस्मिक गति कहलाती है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो गति होती है वो फोर्स के आधार पर होती है। तो फोर्स के आधार पर जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोजोनिक फोर्स। क्या कहते हैं? एंडोजोनिक फोर्स, जेनिक फोर्स कहते हैं। और दूसरा है बहिर्जनित बल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। इसको इंग्लिश में एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो होता क्या है, अंतर्जनित बल क्या होता है? तो अंतर्जनित बल पृथ्वी के अंदर अगर कोई घटित होता है बल, या कोई पृथ्वी के अंदर जब बल लगता है तो पृथ्वी के अंदर घटित होता है, यानी जैसे अचानक से पृथ्वी के अंदर जब फोर्स होता है तो उसे आकस्मिक गति होती है, ठीक है। आकस्मिक गति होती है, तेज लग जाता है वो बल, तो भूकंप आता है, जो भूकंप आता है और या ज्वालामुखी होती है। तो ये सब क्या होता है? ये सब पृथ्वी के अंदर की गति के कारण होता है। फिर देखिए, पृथ्वी के अंदर जो आकस्मिक गति आती है उसके कारण ज्वालामुखी फूटती है। ज्वालामुखी क्या होती है? ये पृथ्वी पर बनी होती है। अब इधर देखिए आप लोग कि पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसको हम परपटी कहते हैं, ठीक है, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है। उसके नीचे वाला जो भाग होता है, दूसरा जो वो होता है प्लेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। तो इसके बीच में हमने आपको बताया था ना कि द्रवित मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, जो प्लेटें होती हैं उनके बीच क्या होता है? द्रवित मैग्मा होता है। तो ये मैग्मा होता है जो घूमता रहता है। तो होता क्या है कि द्रवित मैग्मा जब ज़्यादा पिघल जाता है और इनके प्लेटों के बीच में जब कोई फोर्स लगता है तो ये मैग्मा निकल के बाहर आ जाता है। तो जब ये मैग्मा निकल के बाहर आ जाता है तो लावे के रूप में आ जाता है, या ज्वालामुखी कई तरह से फूटती है, सुषुप्त हो जाती है, यानी कि सिर्फ धुआं दे करके रह जाता है। ऐसे भी होता है राख निकलती है, या फिर सिर्फ धुआं दे करके, जैसे आप कह सकते हैं जैसे कि
कुछ बम होते हैं या फिर कुछ छोटे मोटे जो पटाखे होते हैं जिसको फोड़ा जाता है जब, तो वो सिर्फ सुरसुरा के रह जाते हैं, वो तेज ब्लास्ट नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो उसी टाइप की ये ज्वालामुखी भी होती है, तो कभी कभी तो ब्लास्ट करती है तो वो लावा के रूप में कूद करके काफ़ी दूर दूर तक छटक जाते हैं, और कभी कभी सुसुप्त अवस्था में होती है यानी कि वो धीरे से सुरसुरा के रह जाती है बस। तो इस तरह की जो गतियाँ होती हैं इसमें ज्वालामुखी में, वो प्लेटों के हिलने से ही होती है। तो ये हो गया ज्वालामुखी के अंदर की गति। इसके बाद देखिए, अब ये जो प्लेटें जब हिलती हैं, इधर देखिए ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी का ऊपरी सतह है, प्लेट है ये ऊपर का, और ये अंदर जो है पृथ्वी के अंदर की बातें हो रही है। ये देखिए पृथ्वी के अंदर जो केंद्र है, जब बल लगता है तो वो सबसे पहले केंद्र पर लगता है, तो जब केंद्र पर बल लगता है तो इसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी जिस पॉइंट पर बल लगता है, ठीक है, यानी कि जब भूकंप आता है, जब आकस्मिक गति होती है तो उसके कारण जो फोर्स लगता है वो सीधे सेंटर पर लगता है, तो ये सेंटर है इसका जिसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र। अब ये जब सेंटर है तो इसका जो सतह होता है, सेंटर का जो सतह होता है इसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, ये अधिकेंद्र। अब जब ये अधिकेंद्र पर बल आता है यानी इसका फोर्स जब इस पर आता है तो इसके कारण कई तरंगे बहने लगती है, तरंगे निकलने लगती है, यानी कि इसके फोर्स से काफ़ी दूर तक उसका प्रभाव होता है तरंगों के हिसाब से। तो जैसे जैसे तरंगे होती हैं वैसे वैसे इसका प्रभाव, जितनी दूर तरंगे जाती हैं इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी पास में फोर्स तेज लगता है, पास में फोर्स तेज लगता है, और बाकी जो किनारे किनारे जितनी दूर की तरंगे होती हैं, जितनी दूर तरंगे जाती हैं उनकी तीव्रता जो होती है वो कम होने लगती है, यानी उनके उनकी क्षमता, वहाँ पर जो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है तो वो सेंटर की अपेक्षा कम होने लगती है। इसके बाद देखिए भूकंप, आपको समझ में आ गया कि भूकंप आता क्यों है, तो पृथ्वी के प्लेट के हिलने से ही भूकंप आता है। अब इधर देखिए भूकंप के को जो नापने का यंत्र होता है उसको हम कहते हैं भूकंप लेजी कहते हैं। उसके बाद जो जिस चीज़ से हम नापते हैं, ठीक है, जिस चीज़ से हम नापते हैं तीव्रता, उसकी भूकंप की तीव्रता जिस चीज़ से नापते हैं उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। और मान लीजिए जब भूकंप रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता नापा जाता है, यदि 2.0 में आता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी बहुत हल्का होता है वो भूकंप। उसके बाद यदि 5 में आता है तो कुछ नुकसान करता है, यानी कुछ हिल जाता है या कुछ गिर पड़ जाता है, ऐसे मतलब नुकसान होता है, कई दीवार गिर जाती है, कहीं कुछ गिर जाता है, तो ये सब चीज़ें हिलती हैं, जमीन हिलने लगती है, तो मतलब हमें एहसास हो जाता है कि भूकंप आया है। फिर उसके बाद 6 पे होता है तो उसकी तीव्रता और तेज़ हो जाती है, यानी इंसान डर जाता है, बहुत घबरा जाता है, काफ़ी नुकसान भी हो जाता है उससे। उसके बाद और 7 पर जब होता है तो उससे भी तेज़ होती है, और 8 पर जब होता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, यानी एक तरह से इमारत वगैरह सब गिरती है और बहुत परेशानी हो जाती है, यानी बहुत भूस्खलन एक तरह से कहा जाए तो वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है पृथ्वी की सतह पर। तो इस तरह से भूकंप आते हैं पृथ्वी के प्लेट के हिलने से। और उसके बाद देखिए ये जो भूकंप आता है तो हम इसका बचाव कैसे करेंगे, भूकंप से बचने का जो हम उपाय क्या क्या होता है, तो भूकंप आ रहा है तो हम उससे कैसे बचेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब भूकंप आता है तो हमें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई चीज़ ऊपर न गिरे, ठीक है, काफ़ी खुले स्थान पर जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए, या फिर अगर कोई खुला स्थान नहीं है तो हम ऐसी जगह जाएं जिससे हमारे ऊपर अगर कोई चीज़ गिरे ना, ठीक है, या हम सेफ बच जाएं। इमारत से दूर होना चाहिए, कोई भी इमारतें हैं या कोई मकान है तो उससे हमें दूर होना चाहिए। फिर पेड़ पौधों से दूर होना चाहिए, पेड़ पौधे भी गिर सकते हैं, और खुले मैदानों में जाना चाहिए, तो बताए आपको इस तरह से हमें सुरक्षित स्थान को चुनना चाहिए। फिर क्या है, ऐसे चीज़ों से दूर रहें, कैसी चीज़ों से, जैसे मान लीजिए कि हम आग के पास न जाएं, भूकंप आ रहा है और हम आग के पास खड़े हैं तो हम उससे प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जैसे
आग के पास न जाएं, आग वाले स्थान पर न जाएं, गैस सिलेंडर के करीब ना हो, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद दर्पण के पास नहीं होना चाहिए, शीशा भी गिर सकता है। शीशा वगैरह हल्का होता है, वो थोड़े से प्रभाव में, थोड़ी सी तीव्रता जब भूकंप में होती है तो भी गिर सकता है वो सब। तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। भूकंप की आहट अगर मिलती है तो हम किसी भी वस्तु के पास ना रहें जो वस्तु गिरने की आशंका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस जो हमें भूकंप से बचाव करती हैं, यानी भूकंप के समय बचाव करती है हमारी। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसको ये पाठ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग की जो टॉपिक रहेगी वो होगी मुख्य स्थलाकृतियाँ, जो हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में कि अंतर्जनित बल क्या है और बहिर्जनित बल क्या है। अंतर्जनित बल मैंने बताया था कि जो आंतरिक घटित होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं, उसको हम आंतरिक अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होते हैं उसको बहिर्जनित बल कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ। मुख्य स्थलाकृतियाँ मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर अनेक जगह पर अलग अलग आकृतियाँ बनती रहती हैं, चाहे वो नदी में, चाहे वो समतल मैदानों में। तो ये आकृतियाँ बनती कैसे हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मुख्य स्थलाकृतियाँ जो होती हैं वो अपक्षय और अपर्दन के कारण बनती हैं। अपक्षय अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है? तो अपक्षय यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, शैलों का जो टूटना होता है वो अपक्षयित होते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बटते हैं, तो अपक्षय हो गए। और अपर्दन हवा पानी मिट्टी के माध्यम, हवा पानी मिट्टी है या फिर वर्षा के माध्यम से जो जो कुछ भी हानियां होती हैं अपर्दन में आता है। तो ये जो हानियां होती, जो भी क्षति होती है, तो इन दोनों के कारण जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं, वहाँ पर निक्षेपित होते हैं, यानी वहाँ जमते जाते हैं, क्या चीज़, ये धूल धक्कड़ जो भी कण होते हैं वो सब एक से एक स्थान से हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमते जाते हैं, निक्षेपित होते जाते हैं, तो ये अपर्दन की क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके निक्षेपित होते हैं। तो जब वहाँ पर जा करके निक्षेपित होते हैं, जमाव रखते हैं, तो वो एक आकृति का रूप ले लेते हैं। ठीक, तो जब वो एक आकृति का रूप ले लेते हैं तो वहाँ पे कोई जिस आकृति के रूप का रूप लेते हैं वो आकृति बन जाती है वहाँ पर। तो वो क्या होता है, निक्षेपण के आधार पर बनता है, ठीक है ना, यानी जमाव के आधार पर वो आकृतियाँ बनती जाती हैं। नदी के कार्य देखते हैं, नदी का क्या कार्य होता है, नदी क्या करती है, अपने साथ पानी लेकर के बहती है, तो वो सिर्फ पानी ही नहीं लेके जाती है, पानी के साथ साथ उसमें जो कुछ कण होते हैं, जो भी मलबे होते हैं वो अपने साथ लेकर के बहती है, मिट्टी हुआ या पत्थर के जो छोटे मोटे कण होते हैं वो सब अपने साथ लेकर के वो बहती है। जब वो अपने साथ लेकर के बहती है, ठीक है, और जो नदियाँ होती हैं वो जब नदियाँ बहते हुए जब ऊपर से ढाल से जब नीचे गिरती हैं, खाई की तरफ गिरती हैं, किसी घाटी में गिरती हैं, तो जलप्रपात कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जलप्रपात कहलाती है। जब किसी ऊंचाई से वो डायरेक्ट नीचे जाती हैं, किसी खाई में जाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, जलप्रपात कहलाती हैं। और जब यही नदियाँ किसी मैदानी क्षेत्र में बहने लगती हैं, ठीक, जब मैदानी क्षेत्र में बहती हैं तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बहती हैं, यानी मोड़दार रास्ता बनाती हैं। तो ये जो उनका मोड़दार रास्ता बनता रहता है, ठीक है, इसको हम, ये जो मोड़ बनती है उसको हम विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प, यानी जो मोड़ बनाती हैं ये, तो मोड़ का जो गर्त बनता है वो विसर्प कहलाता है, ठीक, जो गड्ढा बनता है। अब ये विसर्प क्या होता है, इनके बहाव से, इनके वेट से, ये क्या होता है, इनके दो जो सिरे जो होते हैं ना वो सिकुड़ते जाते हैं, यानी मिलते चले जाते हैं। और जब ये सिरे मिलते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब ये गर्त अलग हो जाता है, यानी जब ये गर्त अलग हो जाता है तो ये एक अलग सा झील बना लेती है, जिसको हम कहते हैं चाप झील। चाप झील, समझ में आया, जब वो एक अलग गर्त बना लेती है, एकदम टूट के अलग हो जाती है और अलग एक झील टाइप की बना लेती है, उसको हम कहते हैं चाप झील। अब देखिए, यही जब नदियां
बहते बहते समुद्र तक जाती हैं। तो समुद्र तक जब ये जाती हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जब इनकी स्पीड कम हो जाती है तो ये वो क्या करती है ना, कई धाराओं में बढ़ जाती हैं, कई धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। तो जब वो कई धाराओं में विभाजित हो जाती हैं तो वितरिका कहलाती हैं। यानी नदियों का जब समुद्र में नदियाँ आती हैं तो जब वो कई धाराओं में बढ़ जाती हैं स्लो होने के कारण, वो बीच में पत्थर वगैरह होता है तो वो अपना रास्ता अलग अलग ले लेती हैं, कई भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक, तो कई विभाग जब विभक्त हो जाती हैं, कई भागों में बढ़ जाती हैं तो वितरिका कहलाती हैं। अब इसी वितरिका के कारण ये अलग अलग जिधर जिधर बहती हैं वो अपने अपर्दन से, अपने निक्षेपण से कुछ मलबा अपने पास इकट्ठा करती जाती हैं। ठीक है, एक समय ऐसा आता है जब ये उभार वाली एक आकृति बन जाती है इनको, तो इस प्रकार का जब ये आकृति बनाती है तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। अब देखिए, यही नदियाँ जब समुद्र में ये पानी पानी बहता है, जब नदियों का पानी जब ये बहता रहता है, तो आप इधर देखिए कि समुद्र तरंग के कार्य क्या होता है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ये नदी के कार्य था, अब ये समुद्र के कार्य क्या है। तो देखिए, समुद्र के कार्य में जब समुद्र में पानी बहता रहता है तो इनके बहाव से इनके इनमें क्या होता है, जो चट्टान होते हैं ना, इन चट्टान में टक्कर होती है, और ये टक्कर जब बार बार होती है तो ये टूटते जाते हैं। चट्टान जो होते हैं वो टूटते जाते हैं और एक आकृति बनाते रहते हैं, यानी उसको काटते 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 वो एक गर्त बना देती है, जिसको जब वो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, पानी का बहाव अंदर तक चला जाता है, जितना वो टूटा हुआ रहता है उसके अंदर तक चला जाता है पानी, तो इसे हम समुद्री गुफा कहते हैं, यानी एक गुफा की आकृति बना लेती है वो। फिर देखिए, यही गुफा जब और भी ज्यादा टक्कर करती है, और भी ज्यादा मतलब पानी का बहाव उछाल होता है, तेज होता है, तो उसके टक्कर से और भी ज्यादा ये पत्थर जो होते हैं वो बार बार टूटते रहते हैं। टूटने से सिर्फ एक छत नुमा बना लेती है, ये इनकी आकृति जो होती है वो एक छत नुमा बना लेती है, जैसे छत ऊपर से छत होता है और नीचे से सब टूटा रहता है, तो इस टाइप की ये आकृति बना लेती है, जिसको हम कहते हैं तटीय मेहराब। क्या कहते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं। वो सिर्फ छत की आकृति रह जाती है। फिर इसके बाद जब ये जो पत्थर रहते हैं वो स्थिर ही रह जाते हैं और पानी का बहाव बार बार होता है इन पर टक्कर, तो इससे क्या होता है, ये टूटते टूटते एक समय ऐसा आता है जब ये छत भी टूट के अलग हो जाती है। ये देखिए, जब ये छत भी टूट कर अलग हो जाती है तो ये कुछ एक दीवार की आकृति बना देती है। तो जब ये दीवार की आकृति बना देती है तो उसको हम स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक। जब दीवार की आकृति बन जाती है इनकी, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमनद का कार्य, यानी हिम नदी का कार्य। हिम नदी क्या होती है? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जो होता है बर्फ गिरी रहती है, तो जब बर्फ गिरी रहती है इन लोग पर्वतों पर, जब बर्फ की चादर होती है तो जब ये पिघलती है, ठीक है, बर्फ की चादर जब बर्फ धीरे धीरे पिघलती है ना, तो इनकी चट्टानें भी इसके साथ, क्योंकि काफी भारी मात्रा में बर्फ रहती है, तो जब ये पिघलती है धीरे धीरे तो इनकी चट्टानें भी कुछ टूटती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी चट्टानें टूटती रहती हैं, जो इनकी चट्टानों के टूटने से थोड़ा सा गर्त बन जाता है, ठीक है। और जब ये बर्फ पूरी पिघल जाती है और जब बहती हैं तो एक नदी का रूप ले लेती हैं, ठीक है। तो जब एक नदी का रूप ले लेती हैं जिसे हम हिम नदी कहते हैं। अब देखिए, पवन का कार्य क्या होता है? पवन यानी हवा जब चलती है रेगिस्तान में बहुत तेजी से, ठीक, ये रेगिस्तान की बात हो रही है, हवा जब चलती है तो जब जहाँ पर बलुई होता है, जहाँ पर सिर्फ बालू ही होता है, उस जगह पर की बात हो रही है कि जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ बालू को लेकर चलती हैं, तो हवा चलते चलते क्या होता है कि एक आकृति बन जाती है छत की, आकार की, ठीक है, जिसे हम छत्रक कहते हैं, छत्रक शैल, ठीक। तो ये आकृति बहाव से, यानी हवा के बहाव से, ये आकृति एक ही जगह, यानी कि जितनी भी हवा बहती है अपने साथ वो मलबे को लेकर बहती है, तो जब वो मलबे को लेकर बहती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा चला जाता है, ठीक, यानी जो भी कण होते हैं
वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ इकट्ठा होते होते एक छतनुमा आकृति बना लेते हैं। होता क्या है, नीचे नीचे में कोई आकृति नहीं होती है उनके, ठीक है, लेकिन ऊपर से आकृति होती है, नीचे से कोई आकृति नहीं होती है, बेस बना होता है। तो इस प्रकार का वो छत्रक यानी छत के टाइप का वो आकृति बना लेते हैं, जिसे हम छत्रक शैल कहते हैं। फिर है बालू टीला। इसके बाद इसके बहाव से कुछ इस नुमा ऐसे ये टीला नुमा आकृति बनाते हैं। तो ये भी पानी के, ये हवा के बहाव से ये भी बनता रहता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके ये क्या करते हैं, वहाँ निक्षेपित होते रहते हैं, जमते रहते हैं, और उसके जमने से वो एक आकृति बन जाती है। तो ये हो गया आपका बालू टीला, यानी बालू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके वो टीला नुमा बन जाता है, उसको हम बालू टीला कहते हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये पाठ हमारी बदलती पृथ्वी आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, याद कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।